नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव में। पेश है आज की खास खबर। हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अंकुर श्रीवास्तव जी, हिंदू महासभा के, मिस हिंदू महासभा के, उन्होंने पूरी पार्टी का विलय किया है। वो हमारे साथ शिवसेना की नीतियों से प्रभावित होकर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है। बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। कानून व्यवस्था पे सरकार फेल हो चुकी है। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो बेशर्मी की सरकार है, जहाँ लूट है, घसोट है, किसानों की, बेरोजगारों की, नौजवानों की, कोविड में इतने जो चिकित्सा संबंधी मामले हुए उस पर जो बंदर बांट गई, उन सब चीज़ों की पुल खुल गई। जिस तरह असमत लूटी जा रही है बहन बेटियों की, इससे पहले नहीं हुई। उस पर राजभवन की जो खामोशी है, उस पर हमने प्रश्न उठाया है कि राजभवन की खामोशी क्यों है। राजभवन में भारतीय जनता पार्टी का क्या कार्यालय खुल गया है? क्या वही लोग जाएंगे, उन्हीं की सुनी जाएगी या विपक्ष के लोगों की भी सुनी जाएगी? दो दर्जन से ज़्यादा पत्र लिखा, माँ बहन से हमने समय मांगा, विषम विषम परिस्थितियों में ऐसे मौक़ों पर हमने उनसे कहा कि समय दीजिए, इसका निवारण कीजिए। कभी पत्र जाता है तो उसका जवाब तक नहीं देते हैं। तो हमको राम नाइक जी याद आते हैं, वो भी एक महामहिम थे। इस टाइम में राजभवन भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में, तो इसी से ठीक होकर 20 तारीख के बाद भाजपा भी कर घेराव करेंगे।